मुजफ्फरपुर की बालिका गृह दुष्कर्म मामले को लेकर तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, किंतु केवल मंजू वर्मा के इस्तीफा देने से पीड़ित बच्चियों को न्याय नहीं मिल सकता। इसके लिए उन तमाम दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जिसकी संलिप्तता में यह घटना घटी है, और पूर्व के मंत्रियों की भूमिकाओं की भी जाँच होनी चाहिए। पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान धमधा के पूर्व विधायक सह राजद के वर्तमान जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने इसकी मांग राज्य सरकार से की है। एक प्रेस वार्ता के दरमियान दिलीप यादव ने खुले तौर पर कहा कि यह मामला बहुत दिनों से चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला पूर्व के मंत्रियों के संज्ञान में अवश्य ही रहा है, इसीलिए पूर्व के मंत्रियों की संलिप्तता की भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दिलीप यादव ने संभावना जताया कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के समय में भी यह मामला अवश्य ही फलता फूलता रहा है, इसीलिए उनके कार्यकाल की भी गहन जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित बच्चियों को न्याय दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व के मंत्रियों के कार्यकाल की जाँच नहीं की जाती है तो वे लोग आंदोलन को उग्र करेंगे। मुजफ्फरपुर वाली जो घटना है, जो बच्चियों के साथ जो वहाँ यौन शोषण का मामला आया है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इसने देश को और ख़ास करके बिहार के सर को झुकाने का काम किया है। ये जो अभी वर्तमान सरकार है, ये सरकार ऐसे गलत लोगों को पनाह देती है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि मंजू वर्मा जो वर्तमान में मंत्री थी, उनके पति की पूर्ण संलिप्तता उसमें आई, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो इससे पूर्व ये जो बालिका गृह की जो यौन शोषण मामला बच्चियों का आ रहा है, ये इतनी शर्मनाक है। इससे पूर्व की भी जो मंत्री रही हैं, उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएँ होता आ रहा है। ये यही प्रतिलक्षित करता है जो पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होता रहा है। इसलिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मांग है कि इसकी सीबीआई और खास करके हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज की उसमें साझेदारी के साथ इसकी जांच हो, और पूर्व में जो मंत्री हैं उनके भी कार्यकाल कि इसमें जांच हो, और जांच करके जो दोषी हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है। जो उस पद पर है, चाहे वो लेसी हो या कोई हो, जो उस पद पर हैं, अगर लेसी जी हैं उस पद पर, तो उनकी भी जांच हो, उनके भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। तो क्या आपको पूरी तरह से शक है, संभावना आपको लग रही है कि पूर्व के मंत्री इसमें निश्चित रूप से कहीं? ये तो बरसों बरसों से ये मामला आ रहा है, ये मामला एक दो रोज का नहीं है। ये जो शेल्टर मतलब होम जो था, बालिका गृह जो था, ये मामला मुजफ्फरपुर में आज से नहीं, बरसों बरसों से होता आ रहा है। इसलिए हमें पूर्ण मतलब विश्वास है कि पीछे की भी जो मंत्री रही हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें अवश्य होगा। तो क्या ऐसे मामलों को लेकर अगर पिछले मंत्रियों का कार्यकाल के जांच नहीं होता है, तो फिर ऐसे मामलों को लेकर क्या करेंगे आप? हम लोग इसमें ऐसे मामले को लेकर धरना और प्रदर्शन करेंगे, व्यापक आंदोलन करेंगे।